आदित्य जी, मेन हाउसिंग में तो हम शानदार बिक्री का मोमेंटम देख रहे हैं, बात चाहे एनसीआर की हो, एमएमआर की हो, आपका सेगमेंट थोड़ा अलग हटकर है। बीते कुछ वर्षों में सेकंड होम या कहें हॉलीडे होम्स में हमने बेहतरीन रिस्पांस देखा है, फेस्टिव सीजन में आपका सेगमेंट कैसा रिस्पांस करता दिख रहा है? नमस्कार दीपक जी, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सर। सेकंड होम की जो मार्केट है ना, वो शुरू से ही कुछ इस तरीके से रही है कि लोगों ने रेंटल अर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है। जितनी भी सेकंड होम मार्केट डेवलप हो रही है, तो ज्यादातर कहीं ना कहीं एक रेंटल सेकंड, मतलब एक वीकेंड होम खुद के लिए और मीन वाइल एक रेंटल अपॉर्चुनिटीज के लिए बनी रहे। तो अभी अगर ट्रेंड भी देखा होगा तो सब जगह जितने भी हिल स्टेशन हैं या आउट स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ हॉलीडे होम की मार्केट है, चाहे गोवा हो, चाहे जो है बैंगलोर का भी आजकल आउटस्कर्ट्स एरिया है, या जो बॉम्बे का कर्जत वगैरह है, दोबारा डिमांड में आ गया। करबत कर्जत एरिया में सारा दोबारा से डिमांड में आ गया। यहाँ मनाली के आसपास भी डिमांड में आ गया, ऊटी के आसपास पूरा डिमांड में आ गया। तो ये जो एरिया है जो प्राइमरी हाउसिंग लोगों के बजट से ऊपर जा रहा था, लेकिन उनको इन्वेस्ट करना था, उनको किसी को 70 लाख 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी मार्केट की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है। अब उन्हें इन्वेस्ट करना है, उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है हाउसिंग की, तो वो लोग अभी भी सेकंड हाउसिंग में एंटर कर रहे हैं और एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला हाउसिंग में पिछले 3-4 महीनों से, तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि इन्वेस्टर लॉबी तो वही है, सारे के सारे क्लाइंट वही है। उनको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्राइमरी हाउसिंग में वो लोग पैसा नहीं अपना उस पर लगा पा रहे हैं, तो वो फिर वहां लगा। आदित्य जी, आपसे सवाल ये होगा कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सोना अपने ऑल टाइम हाई पर है, चांदी अलग ही चमक रही है, ऐसे में अगर निवेश के लिहाज से देखें तो लोग प्रॉपर्टी को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, सेकंड होम प्रॉपर्टी कैसा रिटर्न दे रही है? तो जी, सेकंड होम में जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आया है, एप्रिसिएशन तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हाउसिंग में आया है, ठीक है, और ओवरऑल सब जगह पे एप्रिसिएशन आया है। इसकी वजह से सेकेंड होम में अब जो है, जो पहले सेकेंड होम में सुपर लग्जरी सेगमेंट था, उससे हटके अभी सेकंड होम में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, मतलब लोग अगर विला नहीं खरीद पा रहे तो प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट और विला का मिक्सचर नहीं खरीद पा रहे तो स्टूडियो खरीद रहे हैं, जैसे अभी अखिल जी कह रहे थे। तो अभी जो सेकंड होम की डिमांड है वो मिक्स है, मतलब कहीं पर विला बिक रहा है, गोवा में विला बिक रहा है, तो उत्तराखंड में प्लॉटिंग डेवलपमेंट बिक रहा है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेकंड होम में। अब जो बॉम्बे के आसपास का एरिया है, ठीक है, वहां पर पहले प्लॉटिंग चल रहा था, अब इस समय विला कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पर लोग विला खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाए, और विला के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले सेकंड होम के साथ चैलेंज था कि पहले सेकंड होम में फाइनेंस की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, बट पिछले 1-1.5 साल से सेकंड होम में भी फाइनेंसेस इजिली अवेलेबल हो गए, क्योंकि सेकंड होम की मार्केट पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे ट्रैक पर आ गई अचानक से। तो जो बैंक्स हैं उनको भी लगता है कि एक बड़ा अच्छा कंज्यूमर है जो उनको वहां पर मिल सकता है, तो ज्यादातर सेकंड होम कॉन्सेप्ट इस समय फंडेड भी चल रहा है, बैंक के सपोर्ट से चल रहा है। स्कीम्स भी हैं, बैंक की भी स्कीम है फेस्टिव सीजन को लेके, कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कम है, उनके जो है इंटरेस्ट रेट में अच्छे ऑप्शंस हैं, उनका टेन्योर भी क्लाइंट को अच्छा दे रहे हैं, तो जो इसकी प्रॉफिट है वो अच्छा लो ईएमआई में परचेस कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने टेन्योर को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से पिछले 2.5 साल से सेकंड होम की मार्केट रफ्तार में चल रही थी, और पिछले 6-7 महीने से तो एप्रिसिएशन की वजह से सेकंड होम मार्केट और ग्रोन अप हो गई।